मेरे बच्चा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। और उससे पहले हम टॉर्क और इक्विलिब्रियम और डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस को हम स्टडी कर आ चुके हैं। आज हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, एंगुलर मोमेंटम है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, सही है। अच्छा, इसी के साथ साथ इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि मेरे बच्चा, इस डायग्राम को अगर आप देखें और इस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को देखें, ये तीन डायग्राम जो है एज ए सिमुलेशन आपको नज़र आ रही है। तीनों में आपको मोशन जो है आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मोशन नज़र आ रही है दैट इज़ स्पिन मोशन, और ये जो मोशन नज़र आ रही है दैट इज़ ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और ये जो मोशन नज़र आ रही है आप यू कैन से टू एंड फ्रो मोशन और हेयर एंड देयर मोशन और लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर की टर्म में मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पर बताने का मकसद क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आप जो है स्टडी कर आ चुके हैं किसके बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं? जी बेटा, लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं आप पढ़ चुके हैं। जी, लीनियर मोमेंटम जो है आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का, और थियोरेटिकल डेफिनेशन जो आपने बेटा लीनियर मोमेंटम की स्टडी की थी वो क्या होता है कि जनाब क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। सही बेटा, क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अच्छा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है, स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही होती है। ठीक है, विद सम सर्टेन वेलोसिटी हैविंग मास m, तो हम इसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इसी के साथ साथ हमने बेटा एक टर्म भी स्टडी की थी, क्या स्टडी की थी, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम फोर्स कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं बेटा, फोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर 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 बॉडी जो है इस ऑर्बिटल पाथ पर मूव कर रहा हो, या वही बॉडी जो है ऑर्बिटल के साथ साथ स्पिन मोशन कर रहा हो, तो अब बॉडी का जो मोमेंटम है वो क्या कहलाएगा। ठीक है बेटा, हमने ये कहा कि अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है और लीनियर पाथ पर मूव कर रही है, तो बॉडी की मोशन जो है वो कैसी कहलाती है जनाब, लीनियर मोशन कहलाती है। और उस दौरान जो बॉडी का मोमेंटम है वो क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर बॉडी ऑर्बिटल पाथ पर जनाब रोटेट कर रही हो, मूव कर रही हो, या ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों रखते हुए मूव कर रही हो, तो अब बॉडी का मोमेंटम क्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी का मोमेंटम जो है उसे हम कहते हैं क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। बेटा इस बॉडी में भी एंगुलर मोमेंटम एक्सिस कर रहा है, इस बॉडी में भी एंगुलर मोमेंटम एक्सिस कर रहा है। दोनों बॉडी, दोनों टाइप ऑफ मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम के हम डिफरेंट फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, आपकी बुक में एक ही मेंशन है, लेकिन आगे जाकर आपको मसला ना हो इसलिए मैं दोनों बताऊंगा आपको, ताकि आप यहाँ हैप्पीली स्टडी कर सकें। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम अपने अर्थ को देखें तो हमारी अर्थ ऑर्बिटल मोशन भी परफॉर्म कर रही है, स्पिन मोशन भी परफॉर्म कर रही है। अगर हम किसी एटम को देखें तो एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और ऑर्बिटल मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको ये बात बहुत 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 अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन मोशन के साथ साथ ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं। ठीक है, अलॉन्ग द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पुरानी बातें जो हैं, जो आप शायद अभी केमिस्ट्री में पढ़ कर आए हो बॉहर्स के बारे में। ठीक है, आगे लेवल पे जाकर आप इंटरमीडिएट लेवल में जाकर इंशाल्लाह बॉहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप डिटेल से पढ़ेंगे तो बॉहर्स की थोड़ी सी बात एक गलत हो जाती है कि जनाब इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिटल पाथ पर अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है वो स्टैटिक होता है। ठीक है, बहरहाल इसको हम आगे जाकर देखेंगे। लेट्स सी, अब आज का हमारा टारगेट है एंगुलर मोमेंटम और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सही है बेटा, इस डायग्राम को आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं,
कलर्स पे ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू कलर है आपका, ये ग्रीन कलर है, और ये दोनों का आर जो है वो सेम है। इट मीन्स दैट ये जो एरो आप देख रहे हैं दैट इज आर। ये क्या है? आर है। ये बॉडी जिसका मास एम है, ठीक है, ये बॉडी जिसका मास एम है, तो इस एम मास पर जो है के का जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से वो क्या है बेटा? आर है। क्या है? आर है, सही है। तो एक बात तो आपको ये नजर आ रही है, और इसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वी है, मास इनटू वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम। तो आप देख रहे हैं कि जब बॉडी जो है इन दैट डायरेक्शन जा रही है तो इसका लीनियर मोमेंटम ब्लू कलर का एरो जो है वो इन दैट डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम मजीद जरा समझते हैं, टॉर्क को हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क जो है हमने नेगेटिव लिया था, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लिया था। इस डायग्राम को और अच्छे से समझते हैं, पहले देख लेते हैं जनाब एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन। तो क्या होता है? ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसका बेटा? लीनियर मोमेंटम पी का। जैसा कि मैंने बताया पार्टिकल का मास एम है, वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम पी होगा। और जनाब इसी के साथ साथ पोजिशन वैक्टर आर का, किसका बेटा? इस पोजिशन वैक्टर आर का। तो लीनियर मोमेंटम पी और पोजिशन वैक्टर आर, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं क्या बेटा? एंगुलर मोमेंटम। और थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी ऑर्बिटल पाथ या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, दैट टाइम जो उसका मोमेंटम होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है हमारे पास साइंस में। बहरहाल इसका फॉर्मूला देखते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला, इसको डिनोट करते हैं एल से और एरो से। फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। आर कहलाता है इसका पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। और पी कहलाता है लीनियर मोमेंटम। क्या कहलाता है बेटा? लीनियर मोमेंटम कहलाता है, ठीक है, ओके। आर क्रॉस पी जो है वो किसके बराबर है बेटा? किसके? एंगुलर मोमेंटम के। अच्छा, इसके बाद जो है हम देखते हैं, अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट को ख़त्म करें और उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में स्टडी करें तो कैसे करेंगे देखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है निकालने के लिए हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को जब ख़त्म किया जाता है आपको पता है साइन थीटा आता है, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास क्या बचता है? आर पी बचता है, ठीक है। क्या बचता है? आर पी। और जैसा कि आपको पता है पी बराबर एम वी के होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम इसको फर्दर जो है क्या लिख सकते हैं बेटा? इस पी की जगह जो है हम क्या लिख सकते हैं? एम वी। क्या लिख सकते हैं बेटा? एम वी हमने अरेंज करके लिख दिया, दैट इज एम वी आर साइन थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, एम वी आर साइन थीटा। ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ठीक है। अब मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम कहाँ मिलता है ये जरा देखने के लिए हम पहले याद कर लेते हैं। साइन 90 जो है वो क्या होता है? 1 होता है। और साइन 0 डिग्री जो है वो क्या होता है? साइन 0 डिग्री जो है वो क्या होता है? 0 होता है। साइन 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और साइन 0 का मतलब होता है क्या बेटा? कि दो वेक्टर आपस में क्या है? पैरेलल है। अगर आपसे कहा जाए दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका साइन ऑफ रेशियो क्या आएगा? आप कहेंगे 1 आएगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका साइन ऑफ रेशियो क्या आएगा बेटा? 0 आएगा, याद रखिएगा। और एंगुलर मोमेंटम के केस में आर और पी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क होगा तो ये हमारे पास एम वी आर बचेगा। क्या बचेगा बेटा? एम वी आर। आगे देखते हैं सर्कुलर या रोटेटरी मोशन में आर और पी जो है हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स दैट एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। अभी बता चुका हूँ साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो आपके पास इसकी जगह जो है वो क्या आ गया? 1 आ गया। इसकी जगह जो है बेटा क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो L इज इक्वल टू एम वी आर, ये हमारे पास जो है एक समझ लें एंगुलर मोमेंटम की फाइनल टर्म आ गई, ठीक है। अब आप ये बात जानते हैं जनाब, रोटेटरी मोशन में हमने ये पढ़ा था द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कि v बराबर होता है r ओमेगा के। v बराबर होता है किसके बेटा? r ओमेगा के। तो v को हमने किसके बराबर लिया? r ओमेगा के। यानी यहाँ जो v की टर्म हमें मिल रही थी इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? r ओमेगा। क्या पुट कर दिया? r ओमेगा। अच्छा, एक और टर्म हम जरा देखते हैं। यहाँ से मैं कुछ एक्स्ट्रा बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें और आगे आपको एमसीक्यूज में इश्यूज ना हो। तो
प्लीज जरा देखिएगा, आपके पास बेटा इनर्शिया आपने पढ़ा था अपने चैप्टर 3 में मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। और आपने जनाब इनर्शिया को कहा था कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी होती है या प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होती है, ठीक है, जिससे क्या करती है कोई भी बॉडी जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे तो करती है ऑफ कोर्स, ठीक है बेटा, लेकिन अपनी मोशन के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्ट करती है। कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी मोशन के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है, इस फेनोमेनन को आपने मोमेंटम का नाम दिया था, इनर्शिया का नाम दिया था, इट वॉज लीनियर इनर्शिया। अगर बॉडी रोटेटिंग फॉर्म में है तो उसका इनर्शिया क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहलाएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर बॉडी सर्कुलर या रोटेटरी फॉर्म में है तो उसके इनर्शिया को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। क्या होता है बेटा, mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको और बात एक्स्ट्रा बता दूं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला या की वैल्यू डिफरेंट होती है। सर्कुलर ले ले पा था उसका डिफरेंट होगा, ऑर्बिटल ले ले उसका डिफरेंट होगा, हुक ले ले उसका अलग होगा, व्हील ले ले उसका अलग आपके पास निकलेगा। बहरहाल तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूला आपके पास आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, हमारे पास क्या है बेटा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है। आगे चलते हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो इस एम आर स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूं बेटा, आई। तो एंगुलर मोमेंटम जो है एक्चुअली मेरे पास किसके इक्वल आया, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, सही है बेटा। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली हुई है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे भी आपको बताऊंगा। ये सिर्फ इसलिए लिए कि आपको पता चल सके कि मैं आपको आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहरहाल देखिएगा, यहाँ पर एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, अगर आप मैथमेटिकली और फिजिकली भी अपेरेंटली इसको देखें तो यहाँ आई कम है और ओमेगा क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर आई जो है वो ज्यादा है और ओमेगा क्या है, कम है, ठीक है बेटा, ये आपको अपेरेंटली नजर आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है जरा ये देख लेते हैं बेटा। जब ये दो डंबल्स हैं, डंबल्स अगर आप जो है एक रिवॉल्विंग चेयर पर लेकर बैठ जाएं और उन डंबल्स को जो है अपने चेस्ट के साथ लगाकर जो है रिवॉल्विंग चेयर को घुमाना शुरू करें तो रिवॉल्विंग चेयर बहुत फास्टली मूव करेगी, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही ये आप आर बढ़ाएंगे, एम आर स्क्वायर है ना बेटा, जैसे ही ये आर बढ़ाएंगे अपने इस बॉडी से, ये आर हाथों का डिस्टेंस या डंबल का डिस्टेंस बढ़ाएंगे और फिर रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर घूमना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी कम घूम रही होगी, ठीक है, और उस दौरान उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कम है। तो इन दोनों फॉर्म में आपको जो है एंगुलर मोमेंटम नजर आ रहा है, ठीक है, और बॉडी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप वन व्हील साइकिल चला रहे हैं, वन व्हील साइकिल, वन व्हीलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप वन व्हीलिंग भी कर पाएंगे, ठीक है बेटा, और अगर आप टू व्हील साइकिल चला रहे हैं और अगर आप रुके हुए तो आप गिर जाएंगे, लेकिन आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूली दो व्हील्स पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे और दो व्हील मूव कर रहे होंगे, ठीक है मेरे बच्चा। इसका मतलब क्या है कि एट दैट टाइम द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है, उस दौरान जो है एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा, कंजर्व है, ठीक है, और यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बेटा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कैसे होती है जरा देखिएगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर होता है, मास की यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट होती है मीटर, तो मीटर से मीटर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, केजी, और ये आपके पास क्या बचा, अपॉन सेकेंड या पर सेकेंड, एक ही बात है। तो ये हमने लिखा, और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, ये जरा देख लेते हैं बेटा, और इसकी यूनिट जो है हमारे पास होती है जूल इंटू सेकेंड, क्या होती है बेटा, जूल्स इंटू सेकेंड होती है, ठीक है, और ये क्लोज फॉर्म है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या जूल इंटू सेकेंड हमारे पास ये यूनिट हो गई, ठीक है बेटा। चलिए डायमेंशन देखते हैं, आर पी था और जो एम वी आर हो गया,
आर की डायमेंशन एल होती है, मास की डायमेंशन एम होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है। अगर इसको प्रॉपर फॉर्म में लेकर जाएं तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या निकलेगी बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। यहाँ एम सी क्यूज क्लियर कीजिएगा, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू द डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर माइनस वन। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, जो डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की होगी वही डायमेंशन प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की होगी, और ये डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होगी। सही है बेटा, ये पूरा सॉल्व करके मैंने आपको दे दिया। बहरहाल आगे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, तो प्लीज जरा देखिएगा। हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जी। ठीक है, तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई और जी। नंबर वन हम बात कर रहे हैं, नंबर वन में लेट सपोज आर यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर होगा। नंबर टू आप कह रहे हैं जनाब पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो एल कहाँ पर होगा, थर्ड एक्सिस में होगा। आपने कहा जी एल यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो आर यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इजीली और समझा देता हूँ मेरे बच्चा। इसका मतलब ये है कि किसी भी दो एक्सिस में जब बॉडी रिवॉल्व कर रही होगी, ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन कर रही होगी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा थर्ड एक्सिस में होगा। ठीक है, थर्ड एक्सिस में उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम से मैंने पहले भी बताया था, आप देखें इन दो एक्सिस में ये बॉडी ऑफ मास एम जो है, लेट सपोज ये इस एक्सिस में है, और वेलोसिटी जो है दैट एक्सिस में है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है इन द थर्ड एक्सिस दैट एक्सिस में मिल रहा है। अगर ये एक्स था ये वाई था, तो एंगुलर मोमेंटम ये जेड एक्सिस में मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख लें कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो सकती है, डाउनवर्ड, जैसे आप ये दो एरो देख रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन, कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी आसान एग्जांपल राइट हैंड रूल, अपने हाथ में राइट हैंड में बेटा पेन को ग्रिप करें, थंब की डायरेक्शन जो है आपके पास क्या है और फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है, ये आप जरा अंडरस्टैंड कर लें। इससे हमने टॉर्क की डायरेक्शन अगर आपको याद हो हमने निकाली थी, कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अपवर्ड। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी इंडेक्स फिंगर को ओपन कर लें। ठीक है, इंडेक्स फिंगर के बाद सेकंड फिंगर को ओपन कर लें। ठीक है, तो ये दो फिंगर इस तरह ओपन करें दोनों फिंगर्स को, दोनों फिंगर एक दूसरे पे 90 डिग्री पे लगे, और थर्ड आपका थंब है, थंब उन तीन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर आप एक इंडेक्स फिंगर को आर कह रहे हैं, दूसरी फिंगर को पी कह रहे हैं, तो थंब आपका जो है क्या बता रहा होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता रहा होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थैंक यू।